जगत दर्शन न्यूज। माझी प्रखंड के गुबराई पंचायत के सातपुर गांव के स्वर्गीय लाल बाबू सिंह के इकलौते पुत्र 32 वर्षीय फौजी पुत्र रूपेश कुमार सिंह एवं रिविलगंज प्रखंड के मुकरेरा गांव के राजू सिंह के 18 वर्षीय पुत्र प्रकाश कुमार सिंह उर्फ विक्की की सड़क दुर्घटना में मौत के पश्चात क्षेत्र गमगीन हो गया है। वहीं आज शुक्रवार को दोपहर जब फौजी रूपेश कुमार सिंह का शव उनके पैतृक गांव सादपुर में पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं उनकी पत्नी के चित्कार से पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। तिरंगे में लिपटा शव को देख किसी के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अंत में रूपेश सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दाह संस्कार क्षेत्र के दुबाईगढ़ घाट पर कर दिया गया। मुखाग्नि उनके 3 वर्षीय पुत्र कृष्णा सिंह ने दिया। उनके शव यात्रा में दानापुर मिलिट्री के सैनिकों के साथ मुखिया सुनील सिंह, पैक्स अध्यक्ष दिलीप सिंह, पूर्व मुखिया पृथ्वी नाथ सिंह उर्फ अलगू सिंह, सुनील सिंह सरपंच भरत सिंह, फौजी मुरारी सिंह व निरंजन सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। बताते चले कि आज ही रूपेश सिंह के माँ का भी श्राद्ध क्रम था। माँ के श्राद्ध क्रम में आए इकलौते फौजी पुत्र रूपेश सिंह व उनके साले की मृत्यु कल गुरुवार को सिवान जिले के हुसैनगंज में बाइक व पिकअप के भीषण टक्कर में मौत हो गई थी। सिंगल शॉट फायर पेश कर रेडियो कंधे सर सिंगल शॉट फायर पेश कर कंधे सर फायर बाजू सर Thank you.